धान का पत्ती लपेटक कीट। इनके पिल्लू अंडे से बाहर आकर पत्तियों के दोनों किनारों को अपने लार द्वारा आपस में सिल देते हैं और उसमें रहकर पत्तियों के हरे भाग को खुरचकर खाते रहते हैं, जिससे रेशे अनुसार पत्तियां जाली समान दिखाई देती है जो बाद में धूप से सूख जाती है। इस कीट के अधिक आक्रमण से पौधों को भोजन बनाने में असुविधा होती है, जिसके कारण धान की पैदावार काफी घट जाती है। इसके नियंत्रण के लिए डाइमेथोएट दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा 1 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। गंधीवक कीट, जिससे एक खास तरह की दुर्गंध निकलती है और इसके शरीर के ऊपरी भाग में त्रिकोण आकार बना होता है। धान में इस कीट का आक्रमण बालियों के निकलने के समय होता है और ये कीट धान की बालियों के दुग्धावस्था में दूध चूसते हैं, जिससे ये दाने खखड़ी हो जाते हैं। किसान भाइयों, इस कीट के नियंत्रण के लिए फसल की रोपनी के बाद आपको खेतों की नियमित पड़ताल करनी चाहिए और इस दौरान अगर आपके खेत में गंधीबग कीट की संख्या अधिक मिलती है तो फसल सुरक्षा के लिए कीटनाशक का छिड़काव जरूरी हो जाता है। छिड़काव के लिए आप मिथाइल पैराथियन नाम की दवा, जो बाजार में पाउडर के रूप में फॉलिडोल के नाम से आसानी से उपलब्ध है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। इस कीटनाशक को 25 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में बुरकाव करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी फसल गंधीबग कीट के आक्रमण से सुरक्षित रह सकती है।